ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, आज भी पानी है जो शाह नहर में छोड़ा हुआ है जी। इतना थोड़ा सा कम है पिछले कल के मुकाबले देखने में लग रहा है, लेकिन उतना ही है। अभी ब्यास में भी आपको दिखाएंगे जी कितना पानी है, बिल्कुल सामने से 52 गेट के। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी एक नई वीडियो के साथ। एक बार फिर से मैं पहुँच चुका हूँ जी 52 गेट पोंग बांध पे, और 52 गेट से पिछले कल से ज़्यादा पानी आज छोड़ा हुआ है ब्यास नदी में। और ऊपर जो मेन गेट हैं जो कल खोले थे उनमें से भी पानी आज जो छोड़ रखा है। और अभी नज़दीक से दिखाएंगे जी यहाँ से कैसा पानी आ रहा है, और मेन जो गेट है वहाँ से कितना पानी है, कम किया है ज़्यादा किया है। तो अभी पहले 52 गेट से यहाँ से दिखाते हैं, और उसके बाद चलेंगे मेन पोंग बांध पे। भाई आ जाए इधर। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं जी 13-14 गेटों के आसपास गेट छोड़ रखे हैं। अभी यहाँ से अच्छे से गिनती नहीं होती इनकी, लेकिन इतने गेट हैं पिछले कल के मुकाबले, कल शाम के मुकाबले आज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पानी छोड़ा हुआ। और ये सीधा पानी ब्यास में जा रहा है जी हमारे एरिए में, ये सारा पानी साढ़े उतना जाता बड़ा दरिया नहीं अग्नि वाला। हाँ टोटली उधर ही जाता है कड़े ਆਹ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ 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 ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚਾਰ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚ ਛੋਟੇ ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਕ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੇਟ। ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਦਿਖਾਨੇ ਹੈ ਜੀ ਗੇਟ, ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਹੈ। हेलो गाइस, मेन गेट है जो 52 गेट के, ये देखिए जी पानी ब्यास में ये ज़्यादा है जी, पानी ब्यास में पिछले कल के मुकाबले ज़्यादा लग रहा है आज। और आज है जी अपने 17 जुलाई, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ जी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अभी आपको मेन पोंग बांध पे भी लेके चलेंगे। ये सारा पानी सबसे पहले हमारा एरिया अफेक्टेड होता है इससे, लेकिन अभी बचाव है, अभी कंट्रोल में है, थोड़ा कम है। अगर बरसात होती है तो फिर ज़्यादा नुकसान होने वाला है इससे। और बिल्कुल पीछे है जी पोंग बांध, वहाँ से भी पानी है जो छोड़ा हुआ है, अभी वहाँ पे भी जाएंगे सिर्फ 10-15 मिनटों में। देखे ना पानी के लिए पहले गेट है 13-14 छापते हैं आज। तो 52 गेट के बिल्कुल दूसरी साइड से अभी हम देखेंगे जी कितने गेट हैं जो एक्चुअली में छोड़े गए हैं, उधर से साफ दिखेगा ये। भाई यहाँ से दिख रहे हैं जी सभी गेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 गेट छोड़ रखे हैं। और सुनने को आया कि पीछे से 4 फिट पानी है जो मेन पोंग बांध वहाँ से आ रहा है जी बाहर, और पीछे कुल्लू वगैरह से जो कुछ पानी उसी साइड से आ रहा है जी। उस साइड भारी बरसात हो रही है जिसकी वजह से पानी उस साइड से आ रहा है, और ये पानी सारा ब्यास में जाता हुआ। ये देखिए जी अभी पोंग बांध, मेन पोंग बांध पे जाना बाकी है जी, अभी कुछ ही समय में वहाँ भी पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं जी 17 गेट छोड़ रखे हैं जी ब्यास में, और पिछले कल के मुकाबले पानी ज़्यादा है और लेवल भी बढ़ चुका है जी, 1371 का लेवल पार कर चुका है। अभी चलते हैं जल्दी से मेन पोंग बांध पर, और वहाँ जा भी देखते हैं जी कितना पानी छोड़ा है, क्या पोजीशन है वहाँ पे। तो अभी पहुँच चुके हैं जी मेन पोंग बांध पे, बिल्कुल तो सामने मेरे पीछे जी 6 गेट खुले हैं, 4-4 फिट खुले हैं। अभी नज़दीक से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे कि जी पानी पिछले कल से ज़्यादा छोड़ा हुआ है, 1-1 फिट शायद उठाए हुए हैं जी। और ये देखिए जी पानी, लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क लगता है कि पानी बढ़ा हुआ है फिट में, और मैं यहाँ पे फिट में बढ़ेगा तो आगे कितना होगा। तो अभी हम पोंग बांध के पीछे वाली लेक में भी जाएंगे जहाँ मैं पिछले 2-3 दिन पहले गया था, तो वहाँ जाके भी देखते हैं पानी की क्या अपडेट है। तो कहीं ये है पोंग डैम के पीछे की लेक, बिल्कुल इस साइड पोंग डैम है, और
पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं ये टापू कितने कितने बाहर थे, और अभी देखिए कितने कितने बाहर हैं। पानी बढ़ा है यहाँ से असली पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा तो बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो अभी मेन इसके पास भी जाएंगे, जो मेन गेट है उनके बिल्कुल पीछे से, वहाँ पे भी देखेंगे जी। तो मेन झील के अंदर जो छोटे छोटे टापू आपको दिख रहे थे, अभी इनके बिल्कुल नज़दीक जाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे जी पानी कितना है। गाइस पोंग डैम के पीछे वाली लेक पे अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी, यहाँ से आपको दिखाते हैं जी कितना पानी है। देख है ना पानी, ये है जी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो सीखने वगैरह के लिए आती हैं, स्विमिंग वगैरह बोटिंग वगैरह, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर है स्पोर्ट्स का यहाँ पे। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये टापू काफ़ी बाहर थे उस समय। अभी आपको दिखाता हूँ इस सीढ़ियों से जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये रही वो सीढ़ियाँ, और ये पानी देखिए यहाँ से, मतलब पीछे एक दो फिट बढ़ेगा तो समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ चुका है। इतने आए हैं तो परसों जो उसमें आ तो पानी घट ही थे, आज देखा डुबकी जगह है। पिछले वीडियो में मैंने ये दिखाया था, ये सब काफ़ी कम पानी था यहाँ पे। उस साइड भी जा सकते हैं आप, जाना छड़ पर आइए। पानी देख रहा हूँ, समुंदर ही है छोटा मोटा, छोटा का तो बड़ा ही है। तो अभी हम जाएंगे जी मेन जो पोंग बांध है उसके ऊपर से क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पे भी देखेंगे जी कितना पानी है। कोशिश करेंगे देखने की, क्योंकि ऊपर से कुछ देखा तो जाता नहीं है अच्छे से, तो देखते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आपको। मान लीजिए मेन पोंग बांध पे अभी हम जा रहे हैं जी, और बिल्कुल सामने इस साइड राइट साइड है जी 52 गेट, और इस साइड है जी मेन पोंग बांध। और पानी सच में ज़्यादा है यहाँ से, क्योंकि पीछे तो एक तो फिट पड़ेगा वो ही बहुत होगा। तो ब्यास नदी में आज लगभग 17 गेट छोड़े जा चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ा जा चुका है, और शाह नहर में भी काफ़ी ज़्यादा पानी जा रहा है, लेकिन ब्यास में आज बहुत ही ज़्यादा पानी है। पोंग बांध के मेन गेटों से भी है जो पिछले कल के मुकाबले ज़्यादा पानी आज छोड़ा गया है, क्योंकि पीछे आज कोई बाढ़ आई है कुल्लू वगैरह में, और पंडो डैम से जो पानी है जो डिवर्ट किया गया पोंग बांध में। तो आगे कोई भी अपडेट है जो इसके रिलेटेड आएगी मेरे चैनल पे आपको है जो उसका वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।